सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली 2024 में हंटर 350 दो न्यू कलर ऑप्शन के साथ दोबारा से अवेलेबल हो चुकी है। सो अगर आप प्लान बना रहे हो 2024 में हंटर को लेने का, तो डेफिनेटली दोनों कलर ऑप्शन में आपको कोई ना कोई कलर डेफिनेटली पसंद आने वाला है। सो अगर मैं बात करूँ वेरियंट्स की, तो ये बाइक आपको तीन वेरियंट्स के साथ अवेलेबल होगी, जिसमें आपको बेस वेरियंट फैक्ट्री के नाम से, दूसरा आपको मिलने वाला है डैपर, यानी कि डैपर सीरीज में आपको दो न्यू कलर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। एक आपको मिलेगा डैपर ग्रीन कलर और दूसरा आपको मिलने वाला है डैपर ऑरेंज कलर। क्या दो कलर ऑप्शंस में आपको न्यू मिलने वाला है, क्या प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने इन बाइक में किया है, उसके बाद इस वीडियो में मैं डिटेल में करूँगा। सो जल्दी से करते हैं इस बाइक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। डैपर सीरीज़ के अगर मैं एक्सशोरूम प्राइसिंग की बात करूँ, तो 1,69,636 के करीब इस बाइक का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो आपको देखने मिलेगा दिल्ली NCR में। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑन रोड प्राइसिंग की, तो 1,95,000 के करीब इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। मतलब 350 cc सेगमेंट की बाइक आपको 1,95,000 के करीब ऑन रोड प्राइसिंग के साथ अवेलेबल होगी। सो अगर मैं बात करूँ कलर ऑप्शंस की, तो दो कलर ऑप्शंस यहाँ पे रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। सो डैपर सीरीज़ में अब आपको मिलेंगे टोटल चार कलर। एक कलर को फाइनली रॉयल इनफील्ड ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो कि है डैपर एश। यानी कि डैपर सीरीज़ में आपको डैपर वाइट कलर मिलेगा, डैपर ग्रे कलर मिलेगा, एक आपको मिलने वाला है डैपर ग्रीन कलर और दूसरा आपको मिलेगा डैपर ऑरेंज कलर। यानी कि चार कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो डैपर ग्रीन की अगर मैं बात करूँ, तो फ्यूल टैंक में आपको ये वाला जो फ्यूल टैंक है वो पूरा आपको ग्रीन फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। कलर जो है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी इस साइड में आपको जो प्योर के ग्राफिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सेम ग्राफिक्स आपको जो डैपर वाइट में देखने को मिले वो ही ग्राफिक्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बाकी साइड में आपको कुछ हाईलाइटेशन जो है वो ग्रीन कलर के देखने को मिलेगी। बाकी टेक्स्चर जो है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी साइड में आपको रॉयल इनफील्ड के जो स्टिकर्स हैं वो आपको ग्रीन फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बाकी फ्यूल टैंक में आपको जो कलर है वो देखने को मिलेगा। बाकी मिडल पैनल में जाओगे, तो जो रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के ग्राफिक्स हैं, स्टिकर्स हैं, वो आपको वाइट और ग्रीन कलर की जो फिनिशिंग के साथ हैं वो अवेलेबल होंगे। बाकी अगर आप अलॉय व्हील्स को देखोगे, तो अलॉय व्हील्स में यहाँ पे आपको जो स्टिकर्स हैं वो कुछ इस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बाकी टायर सेक्शन आपको 110/70 का मिल जाता है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट साइड में आपको पहले की तरह जो हैलोजन यूनिट है वो ही अवेलेबल होगी। सो यहाँ पर आपको पायलट लैम्प मिल जाता है। बाकी यहाँ पे रॉयल इनफील्ड एक LED सेटअप भी प्रोवाइड करा सकती थी, बट यहाँ पे आपको कोई भी जो LED सेटअप है वो देखने को नहीं मिलेगा। साइड इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब के साथ अवेलेबल होंगे। बाकी स्पेक्स वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। 790 mm की आपको सीट हाइट मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी 150 की। रेयर में जो टायर सेक्शन आपको मिलेगा 140/70 का। यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स हैं आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ही अवेलेबल होंगे। बाकी कलर जो कॉम्बिनेशन है अलॉय व्हील्स में, जो स्टिकर्स हैं वो आपको ग्रीन फिनिशिंग के साथ ही अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी रियर साइड में आपको जो लाइट है वो आपको LED ही मिलेगी। पोर्शन जो है रियर की लाइट का, रियर की जो टेल टाइड है वो आपको पहले की तरह ही मिलेगा। बाकी एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बाकी एक ड्रॉबैक जो मैंने पहले हाईलाइट किया था, सेम ही ड्रॉबैक यहाँ पे अभी भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपको अभी भी एक्सपोज्ड मिलने वाला है। सो रॉयल एनफील्ड इस पार्ट को जो है वो कवर कर सकती थी, बट अभी भी यहाँ पर आपको सेम ही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बाकी अच्छा खासा आपको 350 cc का बड़ा इंजन मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करूँ, तो पहले की तरह आपको 27 Nm का टॉर्क और 20.4 PS की जो पावर है वो देखने मिलेगी। 5-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है कलर। सो एक आपको मिलेगा डैपर ग्रीन कलर। बाकी फ्यूल टैंक जो है वो आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के साथ अवेलेबल होने वाला है। सो कलर जो है वो कुछ टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो ये था इस बाइक का डैपर ग्रीन कलर। बाकी दूसरा है डैपर ऑरेंज कलर। सो डैपर ऑरेंज कलर में कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी साइड में आपको जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ टाइप के यहाँ पे ऑरेंज फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। बाकी साइड में अगर आप जाओगे, तो वाइट और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको नी वाले पोर्शन में देखने को मिलने वाला है। बाकी जो कलर है वो आपको मैट फिनिशिंग के साथ कुछ इस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी इस कलर में आपको जो आप कह सकते हो जो स्टिकर्स हैं वो आपको अलॉय व्हील्स में भी मिलने वाले हैं। बाकी रॉयल एनफील्ड की जो स्टिकरिंग है वो जस्ट कुछ इस टाइप की यहाँ पे अवेलेबल होगी। मिडल पैनल में जाओगे, तो मिडल पैनल में भी आपको हंटर 350 के जो कॉम्बिनेशन है वाइट और ऑरेंज कलर का वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। बाकी सारी चीज़ आपको सेम ही मिलने वाली है। ऑन रोड प्राइस 1,95,000 के करीब, एक्स शोरूम प्राइस 1,69,000 के करीब यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो ये था इस बाइक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना। बाकी इस बाइक में मैंने कुछ बताना भूल गया हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूँगा। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।